नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है, भूत प्रेत आदि के ऊपर या किसी भी किसी तरह की किसी अंधविश्वास की घटना को बढ़ावा देना मेरा कोई भी विचार नहीं है। और अगर इस घटना से संबंधित कोई भी बात देखने को मिलती है तो वो एक संयोग मात्र होगा। घटना में बहुत सारी काल्पनिक बातें लिखी गई हैं जो आप लोगों के मनोरंजन के लिए है, सिर्फ से मनोरंजन के तौर पे लीजिएगा। किसी भी बात को सच मानकर उस पर विचार मत कीजिएगा। दोस्तों, बहुत सी हॉरर स्टोरी आपने सुनी होगी जिसमें हम पृथ्वी पर भूतों के बारे में हॉरर स्टोरीज के बारे में बातें करते हैं, मगर विज्ञान जिस तरह से तरक्की कर रहा है हम धीरे धीरे अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। मगर क्या यह संभव नहीं है कि उन अंतरिक्ष के ग्रहों में भी इस तरह की पैरानॉर्मल शक्तियां निवास करती हों? अभी हम चांद पर गए थे, हमारा यान चांद के उस हिस्से में उतरा जिसे डार्क साइड कहते हैं, जहां कोई पहुंच नहीं पाया और यान अजीब तरह से नष्ट भी हो गया। क्या हुआ उसका अभी हमें ठीक से पता भी नहीं चला है, सिर्फ कुछ अनुमान लगाया गया है कि वो नष्ट हो गया, मगर कैसे नष्ट हुआ? कभी आपने सोचा कि चंद्रयान कैसे नष्ट हो गया? आज तक वैज्ञानिकों को यह बात समझ में ही नहीं आई है कि चंद्रयान को इतनी सेफली उतारने के बाद भी नष्ट कैसे हो गया। चांद के जिस हिस्से पर हम चंद्रयान को उतारने की कोशिश कर रहे थे उसे वेदों में पितृ स्थान कहा गया है। उनका मानना है कि वहां पर हमारे पितृ निवास करते हैं, वो बहुत पवित्र स्थान है, इसलिए वहां पर किसी को पैर नहीं रखना चाहिए। 1968 में जब चंद्र यात्रा की गई थी उसके बाद कुछ यात्राएं की, मगर उसके बाद अचानक चंद्र यात्रा बंद कर दी गई। क्या चांद पर सच में कुछ अजीब दिखा या कुछ अजीब था जिसकी वजह से अब कोई भी चंद्र यात्रा में उतनी इंटरेस्ट नहीं लेता है? और जब भारत ने इंटरेस्ट लिया तो वो असफल हो गया। क्या चांद पर कुछ है? मैं इस वक्त अपने मून मिशन में बैठा हुआ हूं। ये भारत का 6वां मिशन है। इससे पहले मिशन की असफलता के बाद हम भारतीय जूझ गए, जो हमारी अपनी प्रवृत्ति है, और चांद पर पहुंचने की हर संभव कोशिश की। आज भारत उस ऊंचाई पर है कि पहली बार मनुष्य को चांद पर उतारने की कोशिश कर रहा है। हमारा मिशन है चांद पर कॉलोनी बसाने के लिए, वहां की जानकारी लेना। हम उतरेंगे चांद के उस डार्क साइड पर। यहां पर कुछ समय पहले नासा ने एक कॉलोनी बसाई है, हमें वहां जाना है और उस स्पेस मिशन के लोगों से संपर्क करना है। इस वक्त यान में मेरे साथ मेरे 3 अन्य साथी हैं, मिस नैना, मिस्टर अरुंग श्रीनिवास और मिस्टर बैनर्जी। ये तीनों ही इसरो के बहुत विख्यात वैज्ञानिकों में से हैं। इसरो के इन वैज्ञानिकों का साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले इसरो में ही काम करता था, मगर फिर मैंने नासा ज्वाइन कर लिया था। मगर जब इसरो को इस मिशन को भेजने की बात आई तो उन्होंने मुझे याद किया, जो मेरे लिए बहुत गर्व की बात। हालांकि मैं इन लोगों से उतनी अच्छी तरह से परिचित नहीं हूं, इसलिए उनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, मगर मिशन को सक्सेस करना मेरा पहला लक्ष्य है। हमारे पास 48 घंटों का समय है। कुछ ही मिनटों में हम चांद के बिल्कुल करीब होंगे और अगले 2 घंटे के अंदर हम चांद की धरती पर उतर चुके होंगे। हमारा यान धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ा चला जा रहा है। हम सभी अत्यधिक प्रसन्न हैं। चांद को इतने विहंगम तौर पर देखकर हमारा दिल बाग बाग हुआ चला जा रहा है। हम अंतरिक्ष में चलते हुए आ रहे थे। अंतरिक्ष का अद्भुत नजारा हमें चारों ओर से अभिभूत कर रहा था। दूर
सूरज एक छोटे से गोले की तरह दिखाई दे रहा था। आसपास बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। सुदूर अंतरिक्ष की काली मां और ग्रहों की छटाएं, सब कुछ अद्भुत था। चारों ओर जैसे एक नया वातावरण था। हमारे सामने चांद का चमकृत हिस्सा था और उसके वही काले दाग। आज तक चांद को हमने धरती से देखा था, मगर कभी सोचा नहीं था कि चांद की धरती पर कदम भी रखेंगे। अब हम धीरे धीरे चांद के उस अंधेरे वाले हिस्से की ओर बढ़ने लगे थे। साथ ही मन में एक डर भी बढ़ता जा रहा था। जैसे ही हम चांद के बिल्कुल पास पहुंचे, चांद के वो दाग धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहे, जो वास्तव में दाग नहीं, बड़े बड़े क्रेटर्स और पहाड़ है। नैना उन्हें देखकर अचानक बोल पड़ी, वाओ। मैं मुस्कुरा दिया। मेरे बाकी दोनों साथी इस वक्त नींद लेने में बिजी हैं। तभी नियरिंग का अलार्म बज उठा। ये चेतावनी थी कि अब हम चांद के बिल्कुल करीब हैं और हमें अपनी सारी प्रक्रियाएं चालू करनी है ताकि हम चांद पर उतर सके। वर्किंग शेड्यूल के अनुसार मैं, नैना और बैनर्जी चांद पर उतरेंगे और श्रीनिवास यान पर बैठकर ही हमें मॉनिटर करेंगे और वापस लाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। मैंने सबको जगा दिया और उनके सामने वो राज खोला जो शायद उन्हें पता नहीं था। अभी तक वो लोग यही मान रहे थे कि हम चांद पर एक ऐसे मिशन पर आए हैं जहां पर हमें ये पता लगाना है कि हम वहां कॉलोनी कैसे, किस तरह और कितनी जल्दी बसा पाएंगे। मगर वास्तव में इस मिशन का लक्ष्य को और था। मैंने बड़े ही गंभीर शब्दों में उन लोगों के सामने कहा, आप लोगों को पता ही होगा हम लोग इस मिशन पर क्यों आए हैं। कैसा बात कर रहे सर, श्रीनिवासन बोल पड़े। हमारे को पूरा जानकारी, हमको यहाँ पे कॉलोनी बसाने के लिए सारी जानकारी निकालना, और क्या। देखिए, ये सिक्के का एक पहलू है, इसका एक और पहलू भी है। उरी बाबा, क्या बोलता है ये, तो एकदम नया कथा बोलता है आप। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा शार, आप बोलना क्या चाह रहा है, बैनर्जी बोल पड़े। नैना डरी हुई आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि यहां पर नासा का एक स्पेस स्टेशन है। हाँ सर, ये तो सभी को पता है। और उस स्टेशन में चार वैज्ञानिक पिछले 6 महीनों से रह रहे थे। हाँ सर, ये तो सबको पता, मगर आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि पिछले 1 महीने से वो गायब है। क्या, बाबा गायब है, आप बोलना क्या चाह रहा है, हमारा माथा में तो कुछ नहीं घुसता है। उनका लास्ट ट्रांसमिशन जो नासा को मिला था, उसमें उनके एक वैज्ञानिक रॉबर्ट डिकोस्टा ने वीडियो कॉलिंग में कुछ अजीब सी बातें कही थी, जैसे भगवान धरती पर उतर चुके हैं, दुनिया का अंत होने वाला है, हम लोग यहां से नहीं बच पाएंगे। और उसके बाद फिर ट्रांसमिशन कट गया और फिर उनके यहां से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आ रहा है। नासा का मानना है कि शायद वो लोग जीवित नहीं है, मगर वो मरे कैसे, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जैसे ट्रांसमिशन की बातें थी, उससे अनुमान यह लगाया जा सकता है कि उन लोगों ने आत्महत्या कर ली है। हमारा लक्ष्य कॉलोनी बसाने की सारी जानकारी के साथ साथ उन लोगों के बारे में जानकारी लेना भी है। मेरी बातें सुनकर मेरे बाकी तीनों साथी आश्चर्य से मेरी ओर देख रहे थे। देखिए, डरने वाली वैसे कोई बात तो है भी और नहीं भी, क्योंकि वहां क्या हुआ था इस बात का कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है।
मगर सर अगर ऐसा बात है तो ये मिशन को लॉक क्यों नहीं गया? देखिए, इसरो ने इस मिशन पर बहुत सारे पैसे लगा दिए थे, देशवासियों की नजरें हम पर गड़ी हुई थी, इसलिए इस मिशन को रोका नहीं जा सकता था। इसलिए मिशन का लक्ष्य थोड़ा सा बदल दिया गया। ये मिशन अब एक रेस्क्यू मिशन भी है। हम चांद पर उतरेंगे और वहां से अपनी जानकारियों के अलावा वो जानकारियां मिलेंगे। मगर चांद पर हमें क्या मिलने वाला है, वहां से हम जिंदा वापस आ भी सकेंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। श्रीनिवासन, तुम इस मिशन में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो, क्योंकि तुम ही हो जो चांद पर नहीं उतरोगे, मतलब तुम्हारे लाइफ के खतरे की बहुत कम परसेंट चांसेस रहेंगे। तुम्हें ये सारी जानकारी इसरो तक पहुंचानी होगी। अगर आप में से कोई इस मिशन में नहीं जाना चाहता है तो वो भी इनके साथ यान पर रह सकता है। कोई सा बात करता है शोर, जब इतना दूर तक आया है तो डोर के यहाँ थोड़ी बैठा रहेगा, आप अकेला वहाँ जाएगा और हम लोग नहीं जाएगा, क्या बोलता है नोइना मैडम? बिल्कुल सही, जो भी होगा देखा जाएगा, चलिए उतरते हैं। मेरे साथियों की हिम्मत देखकर मेरे दिल पर भी हिम्मत आ गई। अगले कुछ ही मिनटों में हम चांद के बिल्कुल करीब थे। हम लोगों ने अपने हेलमेट सूट्स पहन लिए और चांद की जमीन पर उतर गए। चांद पर गुरुत्वाकर्षण काफी कम होता है, इसलिए हमें चलने में कठिनाई हो रही थी और हमें कूदना पड़ रहा था। मैप के अनुसार हम जिस जगह से उतरे थे वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर नासा का स्टेशन था। हम लगभग कूदते हुए उस ओर बढ़ने लगे। दूसरी तरफ भारत में तो जैसे त्योहार का माहौल था, हर तरफ ढोल ताशे बज रहे थे। सारे भारतीय आज गर्व से हमारी ओर देख रहे थे, क्योंकि आज पहली बार किसी भारतीय ने चांद की धरती पर कदम रखा था। मगर उन्हें पता नहीं था कि आगे आने वाले पल में हम कितने बड़े खतरे का सामना करने वाले हैं। करीब 5 से 10 मिनट के अंतराल में हम नासा के उस स्टेशन पर पहुंच गए थे। यहां पहुंचकर हमें दो बातें पता चली। पहली, यहां का गुरुत्वाकर्षण लेवल कम होने की वजह से हमें हर काम कूद कर करना पड़ेगा, और दूसरी, चूंकि यहां के दिन और रात पृथ्वी की अपेक्षा छोटे होते हैं, तो जिस 48 घंटे के समय को लेकर हम चले थे वो समय भी हमारे लिए काफी कम है, इसलिए हमें तेजी से काम करना होगा। स्टेशन पर पहुंचकर हम लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वहां पर हर यंत्र काम कर रहा था मगर चारों ओर मौत का सा सन्नाटा फैला हुआ था। साफ सफाई, बाकी सब चीजों को देखकर ऐसा लगता था जैसे यहां से जाने से पहले उन लोगों ने सारे काम किए, फिर अचानक यहां से वो गायब हो गए। मगर यहां हुआ क्या था? नैना बोल पड़ी, सर यहां के हालात देखकर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी ऐसे लग रहा है, पहले हमें डिकोस्टा का कमरा खोजना चाहिए, हो सकता है वहां से हमें कुछ जानकारी मिल जाए। अशार, हमको लगता है वो कमरा उधर है। मुखर्जी की बात पे हम सभी चौंके। सच में वहां पर बोर्ड में डिकोस्टा लिखा हुआ था। हमने तुरंत ही कमरा खोला। कमरा एक छोटा सा साफ सुथरा सजा हुआ कमरा था, मगर यहां पर कोई खास जानकारी के लायक चीजें नहीं थी। तभी अचानक मुझे एक डायरी मिली, जो शायद डिकोस्टा की डायरी थी। अचानक नैना बोल पड़ी, सर बहुत टायर्ड लग रहा है, कुछ देर नींद लेकर फिर काम शुरू करें। मैंने भी महसूस किया कि स्पेस में इतने देर रहने की वजह से हम काफी थक चुके थे। मैंने कहा हाँ ठीक है। हम लोगों ने एक दो कमरे छाट कर वहीं सोने चले गए। मैं लेटा हुआ डिकोस्टा की डायरी पढ़ने लगा। डायरी में वही सारे बातें लिखी हुई थी, भगवान धरती पर आ गए हैं, अंत निकट है, कोई नहीं बचेगा, और ना जाने क्या क्या। ये पढ़ते पढ़ते अचानक मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मैं चौंक उठा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहां हूं। ऐसा लग रहा था जैसे अनंत आकाश के शून्य में भटक रहा, और तभी एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। राजन, राजन। मैंने आंखें खोलकर हड़बड़ाकर देखा तो दूर मेरी पत्नी रश्मि खड़ी थी। मगर ये कैसे हो सकता है, रश्मि की तो 2 साल पहले डेथ हो चुकी है। अब नहीं, ये रश्मि नहीं हो सकती। और मैं इस नासा के स्टेशन की जगह ये कहां आ गया हूं? तभी अचानक एक पतली सी पगडंडी जाती हुई मुझे दिखाई दी।
रश्मि उसके किनारे पर खड़ी उम्र से कह रही थी, आओ राजन, आ जाओ मेरे पास, किस बात का इंतजार है। मैं जैसे किसी मोहपाश में बंधा हुआ रश्मि की ओर चलने लगा। हाँ हाँ आ रहा हूँ रश्मि, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अचानक दूर से नैना की आवाज़, सर कहाँ जा रहे हो? चौंक कर मैंने आंखें खोली। सर आप नींद में चल रहे थे? नहीं नहीं नैना, मैं नींद में नहीं चल रहा था, मैं जागते हुए चल रहा था। एक तरह का जागृत स्वप्न या इल्यूशन कह सकते हैं इसे। सर मैंने भी कुछ महसूस किया है। नैना ने मुझसे कहा, क्या? अभी जब अपने कमरे में मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की के पास कोई है। हाँ खुली तो एक सर फूटा हुआ इंसान दिखा जो कह रहा था भगवान धरती पर आ गए हैं, अंत समय आ गया है, ऐसा ही कुछ। ओह तो लगता है तुमने सपने में डिकोस्टा को देखा। दिन भर हम लोग उसी की बातें करते रहे ना, इस वजह से। नहीं सर वो डिकोस्टा नहीं थे। तो कौन? मेरे चाचा जी, जिनकी एक बार पहाड़ में चढ़ते हुए गिरकर सिर फूटने से मौत हो गई थी। क्या? हाँ सर, और ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मैं सोई नहीं जागी हुई हूँ। ओह तो लगता है यहाँ पर इल्यूशन का कोई खेल चल रहा है, सब कुछ इल्यूशन में चलने लगा है। अगले ही पल जो मैंने देखा उसे देखकर मैं भी चौंक उठा। मैं चांद के एक बड़े से गड्ढे के पास खड़ा हुआ था। अगर नैना ने मुझे नहीं बुलाया होता शायद कुछ ही सेकंड बाद मैं इस गड्ढे के अंदर होता। मगर स्टेशन से इस गड्ढे तक मैं कैसे आया? लगता है इस गड्ढे के अंदर कुछ तो है। नैना मेरा इस गड्ढे तक आना कोई सामान्य सी बात नहीं है, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर इस गड्ढे के अंदर क्या है। सर क्या बात कर रहे हैं? मैं इस गड्ढे के अंदर उतरूंगा, तुम और मुखर्जी ऊपर रहकर मुझे असिस्ट करोगे। यान में श्रीनिवासन को ये बात बता दो। जब श्रीनिवासन ने ये बात सुनी तो वो भी डर गया। क्या बात कर रहे हैं सर, क्यों जा रहे हो उधर? पता नहीं उसके अंदर क्या हो, किस तरह की गैस हो, बहुत खतरा है सर, इतना खतरा मत लीजिए। मगर मुझे लगता है इस गड्ढे के अंदर कुछ तो है। आम आपको एक शोला देता है सर, एक कैमरा और रस्सी से बांध के अंदर उतारिए, उससे बहुत कुछ पता चल जाएगा। काहे को अपना जान का खतरा ले रहे हैं, इधर बहुत बहुत खतरा होगा सर। मुखर्जी ने भी मेरी बात को अपोज किया मगर किसी की भी बात न मानते हुए मैंने क्लाइंबिंग के सारे सामान उस गड्ढे में उतार दिए। मुझे पहले ही पहाड़ों पर चढ़ने का अनुभव था जो आज काम आ रहा था। उधर श्रीनिवासन ने इसरो को इस बात की जानकारी दे दी, वहां से भी विरोध किया गया मगर इस वक्त कमांडिंग चीफ मैं था, जो करना था मुझे। मैंने अपने हेलमेट का कैमरा और लाइट ऑन की और रस्सी के सहारे धीरे धीरे अंदर गड्ढे में उतरने लगा। और जैसे ही गड्ढे के अंदर पहुंचा अपने निर्णय पर मुझे गर्व होने लगा, क्योंकि गड्ढे के अंदर वो सारे नासा के यात्रियों की लाशें पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें गड्ढे में खींचकर उनके शरीर से सारा खून चूस लिया हो। आश्चर्य, मगर वो लोग इस गड्ढे में आए कैसे और क्यों? मैं भी सब कुछ निरीक्षण करके ऊपर जाने ही वाला था कि अचानक सामने मुझे एक गुफा से दिखाई दी। अब लगता है काश मैं उस गुफा के अंदर गया ना होता। अगले ही पल मैंने ऊपर खबर भिजवाई कि मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं। इसके लिए मुझे अपने सेफ्टी मैटर्स खोलने थे, क्योंकि उतने दूर तक जाने वाली कमर में बंधी हुई रस्सी मैं लेकर नहीं आया था। गड्ढे के अंदर उस दिशा में बढ़ते हुए मैं आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि जैसे ही मैं अंदर पहुंचा एक पल को लगा जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूं। वहां की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, कोई अजीब सी प्राचीन काल की लिपि, मगर ये लिपि तो मुझे पढ़ना नहीं आता है। कैसे जानूं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आखिर क्या है ये सब? तभी अचानक मुझे ध्यान आया, श्रीनिवासन हिस्टोरिकल लिपि पढ़ने में भी एक्सपर्ट है। उसकी इसरो प्रोफाइल में मैंने देखा था, इसे अगर उस तक भेजा जाए तो वो पढ़कर बता सकता है। ओह ठीक, मैंने तुरंत ही अपने साथ रखे कैमरे से वो फोटोज उतार ली ताकि मैं उसे श्रीनिवासन तक भेज सकूं। मगर तभी अचानक एक और आश्चर्यजनक बात होने लगी। चारों ओर का वातावरण जैसे जैसे बदलता सा गया। मैं तो गड्ढे के अंदर था मगर इस वक्त मैं चांद की सतह पर खड़ा था।
चारों ओर अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। हम तो चांद की अंधेरे वाली सतह पर है ना, मगर उजाले वाली सतह पर हम कैसे आ गए? ये आश्चर्यजनक बात क्या है कि तभी मेरे सामने दो दानव खड़े हुए थे, विचित्र शरीर, बड़ा आकार, हाथों में अजीबोगरीब हथियार लेकर, उनकी आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। अचानक एक दानव ने दूसरे दानव पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के साथ ही उनके बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। वे एक दूसरे पर वार पर वार किए जा रहे थे। इस वार से चांद की इस हवा विहीन भूमि पर भी धूल उड़ने लगी थी। वो असीमित ताकत, असीमित शक्ति के भंडार थे, वो एक दूसरे पर चोट किए जा रहे थे। एक भयानक लड़ाई, एक भयानक संघर्ष मेरे सामने हो रहा था, मगर आश्चर्य उनके सामने खड़े होने के बाद भी मुझ पर कोई असर नहीं था इस बात का। ये सब क्या हो रहा है? आखिर हम चांद पर ही आए हैं या कहाँ आ गए हैं? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इल्यूशन की दुनिया में आ गया हूँ। कोई है जो इन दानवों की लड़ाई के माध्यम से मुझे कुछ बताना चाह रहा है, कोई बात, कोई कथा। और इसे सोचते ही साथ एक बार फिर से मैं उसी गड्ढे पर खड़ा था। सूट के अंदर ही अंदर मैं पसीने से भीग गया था। मैंने तुरंत ही वहां की फोटो ली और तेजी से चलकर, रस्सी से चढ़कर ऊपर जाने लगा। ऊपर पहुंचकर नैना ने मुझसे पूछा, सर क्या मिला? नैना, यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है। सर मैंने भी कुछ देखा है। रुको, हम बाद में बात करते हैं। पहले मुखर्जी, तुम एक काम करो, मेरे कैमरा लेकर यान पर वापस जाओ और श्रीनिवासन से कहो उसमें कुछ फोटोज है, अगर वो इन फोटोज से कुछ क्लू निकाल सकता है तो जल्दी से भेजे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वैसे भी तुम जानती ही हो हमारे पास पृथ्वी के हिसाब से 24 घंटे और चंद्रमा के हिसाब से उससे भी कम समय है। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर नासा के इन वैज्ञानिकों को मारकर इस गड्ढे में किसने फेंका और यहां चल क्या रहा है। मेरी बातें सुनकर तुरंत ही मुखर्जी यान की ओर वापस चला गया। अब चांद की धरती पर सिर्फ मैं और नैना थे। मैंने नैना से पूछा, क्या हुआ? सर वो जो डिकोस्टा की डायरी आपने रखी थी उसमें, चलो जल्दी। हम दोनों एक बार फिर से स्टेशन के अंदर आ गए थे। नैना ने मुझे डायरी खोलकर दिखाई और जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। डायरी के कवर के नीचे कुछ पन्ने बहुत बुरी तरह से मोड़ कर रखे गए थे ताकि आसानी से किसी के हाथ न लगे, और शायद डायरी पढ़ते हुए नैना ने उसे खोज निकाला था। और जब मैंने उन पन्नों को देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उन पन्नों पर वही लिपि की आकृतियां बनी थी जो मैंने अभी उस क्रेटर के अंदर देखा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आखिर डिकोस्टा ने भी वो सब देखा था जो मैंने देखा था, मगर इस लिपि में क्या है? आगे वही सब कुछ लिखा हुआ था, भगवान इस धरती पर आ गया है, तबाही का समय आ गया है, बर्बादी होके रहेगी। तभी डायरी के आखिरी हिस्से में मैंने दो नाम देखे, हिमेरुलाल्ड और एलिनमस। ये किसका नाम हो सकता है? ऐसे तो किसी भी देवी या देवता का नाम हमने आज तक नहीं सुना, फिर वो चाहे ग्रीक माइथोलॉजी हो या माया सभ्यता, किसी ने भी इस तरह के किसी भी देवता का नाम आज तक। आखिर यहां हो क्या रहा है? अब मैं काफी थक चुका था, इसलिए मैंने नैना से कहा कि कुछ देर सो लेता हूं। वैसे भी चांद में ऑक्सीजन की कमी इंसान को जल्दी थका देती है। नींद का भी झोंका आया ही था कि अचानक एक बार फिर से सारी परिस्थितियां बदल गई। मैं फिर से उसी अनंत खुले आकाश में था और वही पगडंडी बनी हुई थी। सामने मेरी पत्नी खड़ी थी आवाज लगाते हुए, राजीन आओ ना, आ जाओ, क्या कर रहे हो? मगर मैं बार बार यहाँ क्यों आ रहा हूँ? आखिर इस इल्यूजन का अर्थ क्या है? ये समझ पाता कि उससे पहले ही मैं जैसे किसी
पाश में बंधा हुआ उस रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते बार बार मुझे मेरी पत्नी की आवाज कानों में आ रही थी, राजेन आ जाओ, राजेन आ जाओ। तभी दूर मैंने नैना की आवाज सुनी। सर कहाँ जा रहे हैं आप? नैना, मुझे एक बार जाना ही होगा, पता लगाना होगा कि आखिर इस इल्यूजन का मतलब क्या है, कौन है वो जो बार बार इल्यूजन चला रहा है। और तभी मैंने एहसास किया कि मैं लड़खड़ाता हुआ उस क्रेटर में गिरने लगा हूं। गिरते गिरते अचानक मैंने अपने द्वारा गिराई हुई इस रस्सी को पकड़ लिया था। तभी मैं संभल गया और आंख खुल गई मेरी। मैंने अपने आप को संभाल कर जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ना शुरू किया कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे नीचे से मुझे कोई खींच रहा है। और मैंने जैसे ही अपनी नजरें नीचे की, मैं कांप उठा। नीचे की तरफ पड़ी हुए वे लाशें अब जाग चुकी थी और भयानक हिंसक आवाज के साथ वो मेरे पैरों को पकड़े हुए थी। मुझे अपनी तरफ खींचना चाहती थी नीचे की ओर, मगर मैं पूरी ताकत से अपने आप को संभाल रहा था। गुरुत्वाकर्षण की कमी ने मेरा साथ दिया और उनकी ताकत ढीली होने लगी। मैं तेजी से क्रेटर से बाहर आ गया। नैना मेरा ऊपर ही इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, नैना हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, यहां ठहरना बहुत खतरनाक है। मगर सर हुआ क्या? मैंने उसे बताया। नैना तुमने डिकोस्टा की डायरी पढ़ी? हाँ। उसके आखिरी पन्ने में दो देवताओं के उल्लेख के साथ साथ उसने एक खास बात भी लिखी हुई है। क्या उसने लिखा है? कि स्टेशन के दाहिनी तरफ जो क्रेटर है उसके अंदर कोई खास बात है। हाँ। मगर तुमने ध्यान दिया, दाहिनी तरफ तो कोई क्रेटर है ही नहीं, हम जब यहाँ आए तो क्रेटर बाई तरफ था। ओह माय गॉड। हाँ, इसका मतलब है कि ये क्रेटर गतिशील है। इस क्रेटर के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे चांद की धरती पर मूव करा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हम दोनों ऊपर को ट्रांसमिशन देने ही वाले थे कि अचानक श्रीनिवासन का ट्रांसमिशन हम तक आ गया। हेलो सर, सर वेरी डेंजर, यू हैव टू लीव दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल। हाँ, हम लोग बस आ ही रहे थे, मगर हुआ क्या वो तो बताओ पहले। सर सॉरी टू से यू आर वेरी डेंजर, आपको वो जगह बहुत जल्द से जल्द खाली करना होगा। हाँ बिल्कुल, मगर हुआ क्या? सर मैं ये लिपि पढ़ने का कोशिश किया एंड आई एम वेरी स्ट्रेंज। ये लिपि धरती का है और एक ऐसी सभ्यता का है जो हमारी हिंदी से बहुत मिलती जुलती लिपि है, मगर वो सभ्यता हम में से किसी को भी नहीं पता। ये लोग बहुत उन्नत थे, हम लोग जानते हैं माया सभ्यता बहुत उन्नत, मिस्र की सभ्यता बहुत उन्नत, मगर इन सब के पीछे इसी सभ्यता का हाथ। ये लोग ने इनको डेवलप करने में हेल्प किया मगर खुद छुपे रहे। ये लोग बहुत उन्नत थे, इनका मानना था कि इनके देवी देवता अंतरिक्ष में रहते, मगर सिर्फ देवी देवता इन्हें तक नहीं आते, ये लोग भी अपने यानों से देवी देवता तक जा सकते थे। सर आपको पता मिस्र के पिरामिड में बहुत सारे मजदूर काम किए, मगर ये सब झूठ बोला गया। इस लिपि के अनुसार वो मजदूर असल में मजदूर नहीं, इन्हीं के लोग थे जिन्होंने अपनी सभ्यता का निशानी छोड़ने के लिए मिस्र के नाम से यह सब कुछ बनाया। इनके देवता होराल और इल्यूजन, ये लोग अपने ग्रह के लोगों के साथ धोखा किए और चांद पे आके अपना राज्य बसाए। होराल यहाँ का राजा और इल्यूजन उसका मंत्री, मगर धीरे धीरे इल्यूजन को लगने लगा कि वो होराल से ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि वो किसी को भी भ्रम में डालकर कहीं भी फेंक सकता है। इसलिए एक दिन उसने होराल को ही ब्रह्म के अवस्था में डालकर खुद राजा बन गया, मगर होराल की शक्ति के आगे उसकी शक्ति नहीं चली। कुछ दिनों में ही होराल वापस आ गया और तब वो बहुत गुस्सा आया और चांद पर दोनों में बहुत लड़ाई हुआ, बहुत शक्ति का प्रयोग हुआ और चांद पूरी तरह से तहस नहस हो गया। होराल ने इल्यूजन को चांद की एक गुफा में कैद कर दिया और खुद अपनी प्रजा को लेकर किसी और ग्रह में चला गया। कहां गया पता नहीं, क्योंकि इसके बाद
ये सभ्यता भी लुप्त हो गई। मगर हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने ओराल के उस राज्य के हिस्से में पांव रख दिया जहाँ पे इल्यूशन कैद था। अब वो बहुत गुस्से में, क्योंकि इंसानों ने एक तरह से देव स्थान पर पैर रखने की कोशिश करके एक पाप किया। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा सर। सर आपको वहां से जल्दी निकलना, वरना उस देवता के प्रकोप से आप भी नहीं बचेंगे। सर इस वक्त आप इल्यूजन जैसे दानों के पास ही है, बहुत बड़े खतरे में, जल्दी आइए। मैं समझ चुका था कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। चलो जल्दी चलो, मगर तब तक देर हो चुकी थी। मैंने देखा कि चांद की उस धरती को फाड़ कर एक भयानक विशाल काय दांतों वाला दानव हमारी ओर बढ़ा जा रहा था। वो हम पर हमला करने ही वाला था। मैंने पलट कर देखा तो नैना वहां नहीं थी। ओह, नैना कहां गई? ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? तभी मैंने देखा कि नैना ऊपर यान के पास खड़ी हुई मेरे लिए गेट खोल रही थी। मैं दौड़कर यान पर चढ़ने लगा और कूदकर यान पर पहुंचने में सफल हो गया। अब यान चांद की सतह को छोड़कर आगे बढ़ने लगा था। मैंने श्रीनिवासन से कहा, उफ, इतनी भयानक दशा से हम बचकर आ रहे हैं। तभी मुखर्जी ने पूछा, किंतु एक्ट कोता हमको समझ में नहीं आ रहा है, आखिर चांद पर ये लोग पहुंचा कैसे? देखो, ऐसा माना जाता है कि चांद अंतरिक्ष में भटकता हुआ एक ग्रह पिंड था जो बहुत से ग्रहों नक्षत्रों के पास से होकर गुजर कर आया था और अंत में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आकर यहीं अटक गया। उन ग्रहों नक्षत्रों से गुजरते हुए इस पर बहुत सी सभ्यता के लोगों ने एकाधिकार करने की कोशिश की थी। शायद उसी दौरान ये दोनों दानव इस चांद की सतह पर आ गए होंगे। मगर जब उनमें आपस में लड़ाई हुई तो उस सभ्यता के लोग चांद को छोड़कर चले गए, मगर ये दानव यही रह गया। तभी अचानक मेरे कमर में बहुत तेज दर्द होने लगा। मैं चौंक पड़ा। ऐसा लगा जैसे जैसे हजारों दांत मेरे कमर में गड़ रहे हैं। और अगले ही पल मेरे चारों ओर का वातावरण बदल गया। मैंने देखा मेरा आधा शरीर उस दानों के मुंह के अंदर है और मैं इस वक्त चांद की धरती पर ही हूं। इसका मतलब मैं जो कुछ भी देख रहा था वो इल्यूजन था। इस इल्यूजन के माध्यम से उसने मुझे बताया कि वो इस चांद की धरती पर कैसे आ, 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 मैंने ट्रांसमिशन के थ्रू अपनी सारी बात यान तक भेज दी। तब तक मैंने देखा नैना नैना यान के अंदर जा रही है। नैना मेरा, जाओ जाओ और दुनिया को बताओ कि आखिर चांद की इस धरती पर क्या है और क्यों हमें इस अंधेरी सतह पर नहीं आना है। हमारा भारतीय मिशन सक्सेस रहा।